हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निशा इजी रेसिपीज। आज हम बनाएंगे जीएमएस पाउडर और सीएमसी पाउडर का यूज करके आइसक्रीम। जीएमएस पाउडर जो है वो दूध को गाढ़ा करने में हेल्प करता है, जिससे आइसक्रीम जो है बहुत ज़्यादा थिक बनती है, और सीएमसी पाउडर उसे ज़्यादा देर तक थिक रहने में हेल्प करता है। और इस एक बेस से हम बनाएंगे दो तरह की आइसक्रीम। एक तो पान आइसक्रीम बनाएंगे, जिसमें हम बिना पान के ही आज आइसक्रीम बनाएंगे, और ये ऑल टाइम मेरी फेवरेट आइसक्रीम है। साथ में ही बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम, और साथ में मैं ये भी बताऊंगी कि आप बिना मैंगो के भी आप इसे आइसक्रीम कैसे बना सकते हैं, उसका टेस्ट भी पूरा मैंगो के तरह ही आएगा। तो चलिए आइसक्रीम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे हम लेंगे हाफ लीटर दूध। ये टोटल हाफ लीटर दूध है, जिसे मैंने थोड़ा सा एक बाउल में रख लिया है। इसमें हम डालेंगे 5 चम्मच चीनी। मैं जितना आपको क्वांटिटी बता रही हूँ आपको पूरा उतना ही लेना है। और इस बाउल वाले में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून ही हम इसमें जीएमएस पाउडर डालेंगे। साथ में ही डालेंगे 1/4 टीस्पून सीएमसी पाउडर। इसमें 1/2 चम्मच नहीं डालना है, 1/4 टीस्पून ही डालना है। इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब इस पतीले को जो दूध है इसे हम गैस पर बैठा देंगे। गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे। दूध में आप देख सकते हैं उबाल आ चुका है, तो अब गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। और इस ये जो हमने पाउडर रखा था उसे एक बार इस तरह अच्छे से हिला लेंगे और इसे दूध में डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और इसे दूध को कंटिन्यू इसी तरह हम चलाते रहेंगे, क्योंकि हमने कॉर्नफ्लोर डाला है तो नीचे से जो है वो जम सकती है। और इसमें एक उबाल आने देंगे, और जब उबाल आ जाए तो उसके बाद और 1 से 2 मिनट के लिए ही हमें इसे पकाना है। दूध में आप देख सकते हैं उबाल आ चुका है, तो इसे और 1 मिनट के लिए हम पका लेंगे, क्योंकि अब दूध जो है गाढ़ी हो चुकी है। दूध को यहाँ पे हमने और 1 मिनट के लिए पका लिया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर तक आने तक ठंडा करेंगे। उसके बाद इसे हम फ्रीजर में रख देंगे। अब देख सकते हैं दूध को हमने फ्रीजर से निकाल लिया है और ये अभी आइस है। तो इसे अब हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे इसी तरह ढक के। और यहाँ पान आइसक्रीम बनाने के लिए हम इस तरह का सिरप का यूज करेंगे। ये सिरप आपको जहाँ केक का शॉप मिलता है वहाँ पे आराम से मिल जाएगी। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एक मीठा पान ला के उसे हल्का सा दूध डाल के 2 से 3 चम्मच उसे आप मिक्सी में डाल के पीस सकते हैं, तो भी पूरा सेम इसी तरह का फ्लेवर आता है। पान आइसक्रीम है इसीलिए हम यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा सौंफ 1 छोटी चम्मच और इसे हल्का दरदरा कूट लेंगे, क्योंकि पान आइसक्रीम में जब आइसक्रीम खाने से उसमें जो सौंफ आता है तो उसका टेस्ट और भी अच्छा लगता है। यहाँ हमने सौंफ को अच्छे से कूट लिया है, तो इसे अब हम साइड रख देंगे। और मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए यहाँ 1 बड़े साइज का मैंगो को हमने कट कर छील के अच्छे से उसको इस तरह क्यूब में कट कर लिए हैं, और इसका अब हम पेस्ट बना देंगे। अगर आप अल्मुनियम के बर्तन में अगर ब्लेंडर चलाते हैं तो इस तरह का दाग हो जाता है। मैं पहले बनाई थी तो इस तरह का हो गया था, तो इसीलिए आज मैं इसे प्लास्टिक के बाउल में बना रही हूँ। ये अभी भी ठीक से नहीं निकल रहा, तो इसे हम क्या करेंगे ना, नाइफ से कट करके निकाल लेंगे। इस तरह इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे और उसके बाद ब्लेंड करेंगे। अगर आप इसे पूरा लिक्विड फॉर्म होने के बाद इसे ब्लेंड करते हैं तो आपका आइसक्रीम जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं बनेगा। पर व्हीप क्रीम को जो है हम लोग हमेशा लिक्विड करके ही व्हीप करते हैं, तब भी उसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। यहाँ हमने इसे इस बाउल में निकाल लिया है। अब इसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे।
इस हाफ लीटर दूध और इसमें सिर्फ हम हाफ कप व्हीप क्रीम मिलाएंगे, उससे जो है 2 से 2.5 लीटर की आइसक्रीम आराम से बन जाती है और इसे आप कई दिनों तक आराम से खा सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ छोटे छोटे टुकड़े हो चुके हैं, तो अब हम ब्लेंडर का स्पीड को बहुत ज़्यादा कम, जितना लो है आप उतना कम में रखें और इसे 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह हम ब्लेंड करेंगे जब तक हमारा जो क्रीम है वो थोड़ा सा लिक्विड ना हो जाए। यहाँ देख सकते हैं धीरे धीरे ये लिक्विडी फॉर्म में आ रहा है। अब हम ब्लेंडर का स्पीड को बढ़ा देंगे और इसे कंटिन्यू 1 से 2 मिनट के लिए ब्लेंड करेंगे। पर गर्मी का मौसम है तो यहाँ पे हम एक बड़े से बर्तन में आइस क्यूब ले लेंगे और उसके बाद हम इसे ब्लेंड करेंगे, नहीं तो हमारा क्रीम जो है वो लिक्विड होने लगेगा और ठीक से आइसक्रीम नहीं बनेगा। अगर आपके घर में एसी है तो आप एसी वाले रूम में बैठ के इसे आराम से आइसक्रीम बना सकते हैं, उसमें आपको आइस क्यूब लेना नहीं पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हैं हाफ लीटर दूध में ही पूरा हमारा बाउल भर चुका है, तो इसे अब हम एक थोड़े बड़े से बर्तन में डाल लेंगे। और इसे भी हम इस आइस क्यूब पर रखेंगे और इसे फिर से ब्लेंड करेंगे। इसे हमें तब तक ब्लेंड करना है जब तक हमारा क्रीम जो है पूरा स्मूथ ना दिखे। यहाँ आप देख सकते हैं कि क्रीम हमारा स्मूथ दिखने लगा है, तो इसका मतलब हमारा क्रीम जो है वो तैयार हो चुका है। इसे अब हम रख देंगे फ्रिज में। यहाँ पे मैं ले रही हूँ ट्रोपोलाइट का व्हीप क्रीम। ये क्रीम जो है बहुत अच्छी रहती है, इसीलिए मैं हमेशा यही क्रीम यूज करती हूँ। इससे मैं अब हाफ कप क्रीम को निकाल लूँगी बाउल में। यहाँ क्रीम जो है मेरा अभी थोड़ा सा जमा हुआ है, अगर आप इसे लिक्विड करके लेते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ मैं हाफ कप व्हीप क्रीम ली हूँ। अगर आप इसके जगह फ्रेश क्रीम लेते हैं तो उसमें आप उसके स्वाद अनुसार 3 से 4 चम्मच चीनी डाल दें। इसे भी हम पहले 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ही बीट करेंगे, उसके बाद जब क्रीम लिक्विड हो जाए तो उसे हम ब्लेंडर की स्पीड को बढ़ा देंगे और उसे कंटिन्यू ब्लेंड करेंगे जब तक हमारा क्रीम जो है वो इस तरह का स्टीप पीक ना बन जाए। तो हमने क्रीम को फ्रिज से निकाल लिया है और जो व्हीप क्रीम था उसे भी हम इसी में डाल देंगे। और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ 1 मिनट के लिए हम ब्लेंडर चला देंगे। तो हमारा यहाँ पे आइसक्रीम का जो है बेस बन के तैयार हो चुका है, तो इससे हम आधा आइसक्रीम का बेस को निकाल के एक बाउल में रख देंगे। इसे हम तब तक फ्रिज में रख देंगे, बाहर में हमें इसे नहीं रखना है। अब मैं पहले पान आइसक्रीम बना रही, तो यहाँ हमने जो दरदरा सौंफ कूट के रखा था उसे हम डाल देंगे। साथ में यहाँ पे मैं पान का सिरप जो है 4 चम्मच पहले डाल रही हूँ, ये 2 चम्मच और 2 चम्मच डाल दे रही हूँ। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में डालेंगे 2 से 3 ड्रॉप ग्रीन कलर, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बहुत सारा रेड कलर का टूटी फ्रूटी, साथ में मैं यहाँ पे और 1 चम्मच पान का सिरप डाल रही हूँ, क्योंकि मैं इसका टेस्ट की थी तो सिरप टेस्ट जो है थोड़ा सा कम लग रहा था।
अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देख सकते हैं आइसक्रीम का बेस का टेक्सचर कितना अच्छा दिख रहा। यहाँ अच्छे से मिक्स हो गया है तो इसे हम इस तरह के डब्बे में डाल देंगे। इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा टूटी फ्रूटी। यहाँ हमें इसके ऊपर कोई क्लीन रैप या अल्मीनियम फॉइल नहीं डालना है क्योंकि इसमें जो है एक भी आइस क्रिस्टल नहीं आएगा। तो इसी तरह हम इसे ढक के फ्रीजर में रख देंगे 5 से 6 घंटे के लिए। और अब हम मैंगो आइसक्रीम बना लेते हैं। तो यहाँ हमने आइसक्रीम के बेस को फ्रिज से निकाल लिया था, इसमें हमने जो मैंगो को पीस कर रखा था उसे डाल देंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप बिना मैंगो के सीजन के बनाना चाहते हैं तो जिस तरह मैंने पान का सिरप दिखाया था उसी तरह मैंगो का भी सिरप आता है, आप उसे डाल के मैंगो आइसक्रीम बना सकते हैं। उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है क्योंकि मैं पहले भी ट्राई की हूँ। यहाँ मैंगो जो है अच्छे से मिक्स हो गया है पर इसमें उस तरह का कलर नहीं आया, तो यहाँ पर हम पहले 2 से 3 ड्रॉप ऑरेंज कलर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद 3 से 4 ड्रॉप लेमन येलो कलर डालेंगे जिससे इसका कलर जो है पूरा मैंगो का कलर आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आ गया है, पूरा मैंगो के कलर का ही जैसा आइसक्रीम दिख रहा। तो अब इसे भी हम इस प्लास्टिक वाले डब्बे में ही डाल देंगे। और इसे स्पैचुला से अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे। इसे 2 से 3 बार इस तरह टैप कर लेंगे जिसे सब तरफ में एक जैसा सेट हो जाए। अब इसके ऊपर हम इस तरह का ढक्कन लगा देंगे और इसे भी फ्रीजर में 5 से 6 घंटे के लिए रखेंगे। पाँच से छः घंटे हो चुके हैं तो मैं यहाँ पे दोनों आइसक्रीम को फ्रीजर से निकाल ली हूँ और दोनों आइसक्रीम जो है अच्छे से सेट हो चुका है। तो पहले हम यहाँ पे मैंगो आइसक्रीम को निकालेंगे तो इस तरह पान का आइसक्रीम को हम फ्रीजर में रख देंगे, नहीं तो वो भी आइसक्रीम जो मेल्ट हो जाएगी। आइसक्रीम स्कूप को थोड़ा सा पानी में डाल के उसके बाद इस तरह हम आइसक्रीम में डालेंगे तब जाके वो बहुत आराम से निकलती है। आप देख सकते हैं आइसक्रीम का टेक्सचर मार्केट से भी अच्छा आया है और इसका टेस्ट यकीन मानिए बहुत अच्छा आया था। आपने देखा 1/2 लीटर दूध और सिर्फ 1/2 कप व्हीप क्रीम से हमने कितना ज़्यादा आइसक्रीम बना के तैयार किया है। इसी तरह हम पान वाले आइसक्रीम को भी निकाल के आपको दिखाते हैं। पान आइसक्रीम जो है वो मेरी ऑल टाइम फेवरेट आइसक्रीम है। आप भी एक बार इसे अगर बना के खाते हैं तो आपका भी ये फेवरेट हो जाएगा। तो अगर मेरी ये दोनों आइसक्रीम की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।